हाय दोस्तों, ये है मोटोरोला का H50 Pro 125 वॉट चार्जर के साथ, और ये जो है 12 GB रैम के साथ है और 256 GB इसका रोम है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करेंगे। तो ये है हमारा फ़ोन जिसको मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। मैं इसे दोबारा अनबॉक्स कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये है एक स्टिकर टाइप का है। ये स्टिकर का कहाँ यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ये स्टिकर यूज़ होगा आपको इसमें जब आप स्क्रीन प्रोटेक्शन लगाओगे। इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ये सेट कैसा है अभी। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पे आपको डॉल्बी एटम्स लिखा हुआ मिल जाएगा और ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम ट्रे, यहाँ पे चार्जिंग केबल के लिए, यहाँ पे आपको स्पीकर है, यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाएगा। इसका जो लुक जो है ना वही मुझे काफ़ी, और ये काफ़ी अच्छा खासा लंबा भी है। और इसका मैं आपको यूज़ बताने वाला था कि ये जो है स्टिकर टाइप का है, इसको जो है आपको बटन्स के ऊपर चिपकाना रहेगा। चिपका करके तब आप इसके ऊपर जो ऊपर से जो फिल्म दिया जाता है, जो ग्लास दिया जाता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह का है, इसका ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है। इसके कैमरा के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, तब तक सब ये देख लो कि इसका क्वालिटी कैसा है। तो ये है आपको मोटरोला H50 Pro, काफ़ी अच्छा सेटअप है और काफ़ी अच्छा लुक है इसका। और इसके साथ हमें ये मिलता है, इसी में बताया गया कि किस तरह से आपको इस पे जो कवर है स्क्रीन कवर वो आपको कैसे लगाना है। और इसमें हम लोगों को मिल जाता है ये रहा इसका बैक कवर। ये है बैक कवर इसका, और ये है आपको फिल्म जो आपको अपने स्क्रीन पे लगाना है। और इसके साथ मैं बता दूं कि इसमें जो है आपको मिल जाएगा चार्जर। ये इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, ये है 125 वॉट का चार्जर, देख सकते हो। ये है 125 वॉट का चार्जर, और इसके साथ आपको मिल जाता है Type-C to Type-C केबल मिलता है आपको। यहाँ पे देख लो, ये जो कनेक्शन है यहाँ पे Type-C है, और ये जो है Type-C to Type-C केबल है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है आपको इस फ़ोन के साथ।